हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास टेंथ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन बैंक 2015 का सेकंड सीटिंग का पेपर, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, कहा गया है कि लघु पठन के समय परिपथ का विद्युत मान होगा, मतलब कि लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया है लघु पठन के समय परिपथ में, ठीक है ना, परिपथ में आपका पूछा गया है कि विद्युत धारा का मान होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा। तो धारा का मान क्या हो जाएगा भाई, तो धारा का मान, इसमें विद्युत धारा छूट गया है, यहाँ पे धारा कर लीजिएगा, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, लघु पठन होगा तो विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो सब लोग जानता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए गए हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध निकालने का एक सूत्र बताया गया है कि भी बटे आई होता है, ठीक है। तो भी का मान यहाँ से कितना है भाई, 220 वोल्ट, और यहाँ पे कितना धारा आई का मान है, 2 एम्पियर, काटिएगा कितना आएगा भाई, तो 110, कितना आ जाएगा, 110, ये ओम हो जाएगा, ठीक है, 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान आप पढ़े होंगे साइन आई बटे साइन आर होता है, स्नेल का नियम जिसको कहा गया है, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम में आप पढ़े होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है, एक किलोवाट घंटा बराबर। अगला सवाल देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, तो काल्पनिक होता है, याद रखिएगा, ओके, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभव चाहे विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछा तो आपको वोल्ट बता देना है, ठीक है। ये होता है शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ये प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिया, ऐसे इस प्रश्न का जवाब है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। अगर यही सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करता तो ये हो जाता NaHCO3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन सोडियम कार्बोनेट की बात की गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल कहेगा तो आपको CO बताना है, और यही कार्बोक्सिलिक कहेगा तो उसका आंसर ये बताइएगा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, COOH बताइएगा, ठीक है, COOH। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल कह देगा तो CO द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इथाइल अल्कोहल, इथाइक नहीं होता है, इथाइल होता है, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, इथाइल, ठीक है, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की बात किया जा रहा है, कौन सा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C2H5OH होता है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र कौन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक, तो आयनिक यौगिक क्या है भाई, ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम पर जो होता है प्लस चार्ज लगा रहता है, ठीक है ना, और क्लोरीन पर क्या लगा रहता है, माइनस चार्ज, यानी कि आयन का इसमें
बात हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कौन सा आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये होगा, यहाँ पे E2 नहीं होगा, CO2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा CaCl2 आपका आयनिक यौगिक है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह का तत्व देखिए हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। हेनी, हे, नी और कर जीरो फॉर रन आउट, याद रखना है। हेनी और कर जीरो पर रन आउट। हेनी के मतलब, हे के मतलब हीलियम, नी के मतलब नियॉन, और के मतलब आर्गन, आ कर के मतलब क्रोमियम, आर जेडन के मतलब जेनॉन और आरएन के मतलब रेडॉन। तो यही होता है शून्य वर्ग के आवर्त सारणी में। देखिएगा तो कितने कितने तत्व होते हैं भाई? तो छः होते हैं, गिन लीजिए आप, काउंट कर लीजिए, छः हैं टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आवर्त सारणी में अगर शून्य वर्ग के समूह का तत्व का नाम अगर आपसे पूछे तो हेनी अर्कर जीरो पर रन आउट याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है, ठीक है, चाहे अक्रिय गैस कौन है, ठीक है, चाहे शून्य वर्ग के कौन सा तत्व है। तो ये सब जितने भी हमने तत्व बताया ये सब शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये टोटल कितने होते हैं भाई? तो छः होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन? मीथेन पड़े होंगे, जिसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, दलदल से निकलता है, ठीक है ना। मीथेन का सूत्र क्या होता है भाई? CH4 होता है कि नहीं। और देखिए इसमें कितने भाई, देखिए यहाँ पे चार होते हैं सहसंयोजक बंधन, कितने होते हैं? चार होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे चार H होते हैं और यहाँ से चार बंधन बनाया जाता है। तो कितने सहसंयोजक बंधन है? चार, गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो कितने हैं भाई? चार, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन अकारक? तो अकारक की बात किया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसको अकारक, और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको आक्सीकारक। तो यहाँ पे अकारक की जिसमें हाइड्रोजन की बात किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो ऑक्सीजन आया है तो ये तो ऑक्सीकरण हो गया, ये नहीं होगा। इसमें भी ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसमें भी ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पे अकारक की बात किया गया है तो अवकरण जो होगा यानी कि H2 हो जाएगा आंसर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल की बात करें चाहे लैक्टिक अम्ल की बात करें, ये सब बनते हैं वायवीय श्वसन में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो हमने बताया था पिछले भी वीडियो में, ईस्ट में होता है। किसमें होता है भाई? ईस्ट में। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में। ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए आंसर। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कौन पाया जाता है, ये कितना बार क्वेश्चन आया है, पराग कोश में पराग कौन। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, घेघा रोग पनपता है भाई, तो आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है, रक्त के कमी से एनेमिया रोग होता है, मधुमेह रोग चीनी के कमी से, ठीक है ना, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ग्वाइटर अथवा घेघा रोग की बात करेगा तो आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, ठीक है। तो इस
उसमें हमने आपको जो 2015 में सेकेंड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन बैक, उसका सभी का सोल्यूशन मैंने बताया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब, अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को घंटा को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे, आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।